तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ न्यासा स्टोर प्रभादेवी का, जिन्होंने मुझे ये वीडियो बनाने का मौका दिया और इनके वजह से मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ आईफोन XS मैक्स का अनबॉक्सिंग वीडियो। तो आइए इसको अनबॉक्स कर देते हैं। बॉक्स को खोलने पर सबसे पहले आपको मिलते हैं कुछ वारंटी इन्फॉर्मेशन और प्रोडक्ट गाइड और कुछ एप्पल स्टिकर्स। और ये है आईफोन XS मैक्स गोल्ड कलर, और मानना पड़ेगा कि ये गोल्ड कलर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। बॉक्स में आपको मिलता है ये 5 वॉट का चार्जर, अनफॉर्चुनेटली फास्ट चार्जर अवेलेबल नहीं है, और साथ ही साथ आपको मिलता है ये ईयरपॉड्स। दुख की बात यह है कि इस बार एप्पल ने लाइटनिंग टू 3.5 mm का जैक भी नहीं दिया है। आईफोन XS मैक्स में आपको मिलता है स्टीरियो ऑडियो, लेकिन आप देखेंगे तो एक तरफ 7 स्पीकर ग्रिल्स हैं और एक तरफ सिर्फ 4 स्पीकर ग्रिल्स हैं। इसका कारण है कि आपको आईफोन XS और XS मैक्स में कुछ एक्स्ट्रा LTE बैंड्स मिलते हैं, जिसकी मदद से आपको सेलुलर परफॉर्मेंस और बेटर मिल सकता है। आईफोन XS और XS मैक्स का कैमरा काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है, लेकिन अभी भी आपको मिलेगा ये कैमरा बम्प। और आईफोन XS मैक्स का फ्रंट कैमरा मुझे थोड़ा सा जूम्ड लगा जब मैंने कंपेयर किया आईफोन X के फ्रंट कैमरा से। आईफोन XS और XS मैक्स का जो सबसे बड़ा फीचर है वो है एडाप्टिव बोके, जिसका मतलब ये है कि आप पोर्ट्रेट मोड में फ़ोटो को खींच के बैकग्राउंड ब्लर को एडिट कर सकते हैं, उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दोस्तों, फिलहाल मैंने आईफोन XS या XS मैक्स ख़रीदा नहीं है, लेकिन अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं एक डिटेल्ड रिव्यू ज़रूर करूंगा और एक कंपैरिजन वीडियो भी करूंगा आईफोन X के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो दिल खोल के लाइक करिए, आपके लाइक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मेरे वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपके कोई सुझाव हैं, कमेंट्स हैं, सवाल हैं, तो प्लीज़ उनको कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आऊँगा आपसे मिलने के लिए अगले हफ्ते इसी तरह एक नए वीडियो में, एक रिव्यू, अनबॉक्सिंग, ट्यूटोरियल या कुछ मज़ेदार चीज़ लेके। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।